आई हेट यू सौरभ जोशी। जहाँ भी देखो YouTube पर बस यही चल रहा है, आई हेट यू सौरभ जोशी। और कुछ बंदे नहीं जानते होंगे कि ये सौरभ जोशी कौन है, तो मैं बता दूं कि सौरभ जोशी इंडिया का टॉप नंबर वन ब्लॉगर है। यहाँ बात यहाँ आती है कि सौरभ जोशी की जो इमेज है वो बहुत ही बुरी होती जा रही है इस टाइम पर। ऐसा क्यों हो रहा है, तो आज की वीडियो में इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। देखो सौरभ जोशी की बात करें तो सौरभ जोशी पर डे एक ब्लॉग लेके आते हैं, वो भी अपनी मेहनत से। जी हाँ, इस टाइम पर उनके सब्सक्राइबर करोड़ों में हैं। सौरभ जोशी की इमेज इसलिए ख़राब हो रही है क्योंकि जो यूट्यूबर्स होते हैं वो सौरभ जोशी से मिलने जाते हैं उनके घर पर, लेकिन सौरभ जोशी उनसे मिल नहीं पाते हैं। हाल ही में एक बंदा सौरभ जोशी से मिलने जाता है लेकिन सौरभ जोशी उस मिल नहीं पाते हैं, तो वो बंदा क्या करता है, उनकी एक बैड इमेज दिखाते हुए एक वीडियो बना देता है, जिससे सौरभ जोशी को हार्ट करते हुए एक वीडियो बनती है जिसमें बोला जाता है कि सौरभ जोशी किसी भी छोटे यूट्यूबर से नहीं मिलते हैं। तो क्या होता है कि सौरभ जोशी को रिसेंटली वो वीडियो मिल जाती है और उस पर सौरभ जोशी कर देते हैं कमेंट और बोल देते हैं कि आप सब्सक्राइबर और व्यूज़ पाने के लिए वीडियो कुछ भी बना देते हो। इससे क्या होता है कि सौरभ जोशी की एक गलत इमेज सामने आ जाती है। और मेरे नज़रिए से देखा जाए तो सौरभ जोशी कोई भी बुरा काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए आपके इस टाइम पर 100 सब्सक्राइबर हैं और आपसे मिलने 10 बंदे भी आते हैं तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, आप मिल लोगे, लेकिन वो 10 बंदे 1000 से 2000 बंदे कन्वर्ट हो जाते हैं। मान लीजिए आपके सब्सक्राइबर 1 करोड़ 2 करोड़ के आसपास आपके सब्सक्राइबर हो जाते हैं और आपसे 50 आदमी मिलने आता है रोज का, तो क्या आप मिल पाओगे? अब आपकी लाइफ भी तो है, आप भी तो जियोगे, आप भी तो कुछ इन्जॉय करोगे, इसलिए बहुत ही परेशान हो जाते हैं इतने बंदों से मिल मिलकर। इसलिए सौरभ जोशी ने भी इस कदम को उठाया कि वो किसी बंदे से नहीं मिल रहे थे, लेकिन दूसरे जो यूट्यूबर्स होते हैं, छोटे यूट्यूबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि ऐसी वीडियो बनाते हैं ताकि आदमियों को मज़ा आए और व्यूज़ ज़्यादा आए उनकी वीडियो पर, और वो बैड इमेज फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सौरभ जोशी एक नंबर वन ब्लॉगर्स हैं, और जो कोई सौरभ जोशी का फ़ैन है प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हाल ही में मनोज दे ने सौरभ जोशी के अगेन एक वीडियो बनाया था जिसमें पीयूष, जो मनोज दे का छोटा एक लड़का है, मतलब मनोज दे का लड़का नहीं, वो चाचा माचा किसका लड़का, उससे वो सही से बात नहीं करता पीयूष। तो इस तरीके से मनोज दे ने भी कुछ सौरभ जोशी को कुछ बुरा कहा है। और मेरे को बताना कौन कौन है जो सौरभ जोशी की ब्लॉग्स को देखते हैं, और देखते हो तो यस कमेंट करना और नहीं देखते तो नो कमेंट कर देना।